This lecture on quantitative aptitude by our faculty Mr. Ram is brought to you by Apex Coachings. If you like this video, then please press like button and subscribe to our channel. Thank you. आपकी जो डिस्टेंस है वो आपको एक ही यूनिट में दिया होगा, या तो डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया होगा या मीटर में दिया होगा, ठीक है। टाइम जो है वो भी आपको एक ही यूनिट में दिया होगा, ज्यादातर या तो आवर्स में दिया होगा या मिनट्स में दिया होगा या फिर सेकंड्स में दिया होगा। मिनट्स में दिया है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो कर सकते हैं, और मिनट्स में दिया हो आवर्स में कन्वर्ट करना हो वो भी कर सकते हैं। लेकिन स्पीड जो है आपको हमेशा दो यूनिट में मिलती है। स्पीड जो मिलेगी वो आपको किस में मिलेगी, या तो आपको स्पीड मिलेगी किलोमीटर पर आवर में, स्पीड जो मिलेगी किस में मिलेगी, किलोमीटर पर आवर में, या फिर आपको मिलेगी मीटर पर सेकंड में। ये दो ही यूनिट आपको मिलेंगे स्पीड के, या तो किलोमीटर पर आवर में मिलेगी या फिर मीटर पर सेकंड में मिलेगी आपको स्पीड। कभी कभी आपको स्पीड मीटर पर मिनट में भी मिल सकती है, ध्यान रखना मीटर पर मिनट में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम चांस होंगे कि आपको मीटर पर मिनट में मिले। बट बेसिकली जो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा वो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में मिलेगा। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में हमें जाना है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? हाँ जी, वो आया कैसे वो भी तो निकाल लें। जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब मान लो हमारी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है हमारी? 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर किया है? 1 घंटे के अंदर। तो स्पीड हमारी क्या आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर जो है आपका, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर में कितने मीटर हो गए हमारे? 1000 मीटर हो गए। किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, कितने हुए? 1000। और आवर्स में 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होंगे? 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड। तो डिवाइड बाई 3600, तो ये हमारी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/18। कितना आया? 5/18। याद रहेगा 5/18 कैसे आया? हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि 5/18 कैसे आ रहा है, 18/5 कैसे आ रहा है। आपको बस इतनी सी चीजें याद रखनी है कि जो हमारी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड जो है वो किसके बराबर है? उल्टा हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस यहां पर क्या होता है कि देखिए सबसे ज्यादा ये सबको याद रहता है कि स्पीड जो है 5/18 या 18/5 कुछ करना होता है, बट ये हम भूल जाते हैं कि 5/18 करें या 18/5 करें, इसी में प्रॉब्लम होती है। मान लो आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, नोट कर लेना बाद में, स्पीड अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये कई बार दिक्कत रहती है कि 5/18 करें या 18/5 करें। ठीक है, 5/18 करें या फिर 18/5 करें, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान नहीं रह पाता कि 5/18 करना था या 18/5 करना था। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ठीक है, बड़े आसानी से याद रहेगा। जैसे कि मान लो हमारी स्पीड किसमें? किलोमीटर पर आवर में, और दूसरी जो स्पीड है वो किसमें आपकी? मीटर पर सेकंड में। दो ही स्पीड होंगी, दो यूनिट मिलेंगे हमें, या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में मिलेगी या फिर मीटर पर सेकंड में मिलेगी, यही होगा ना। अब यहां ध्यान दीजिए, पहले एक एक चीज देखते हैं। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो किलोमीटर हमारी बड़ी यूनिट है ना, और बड़ी यूनिट से कहां जा रहे हैं? छोटी यूनिट में। और अगर टाइम भी देखेंगे तो आर्स से किसमें जा रहे हैं? तो सेम वही है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। और ये जो पूरी स्पीड जो हमारी है किलोमीटर पर आवर, वो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं। अगर हमें चेंज करनी है स्पीड, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर रखेंगे, बड़ा नंबर नीचे रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे, छोटी यूनिट हमारी कितनी है? मीटर पर सेकंड में स्पीड, और वहां से किस में आना है?
किलोमीटर पर आवर में, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे और छोटा नंबर नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करते तो हमारी स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना ये जो 5/18 है या फिर 18/5 है, जो भी आपको करना है, हमेशा किसके साथ चेंज होगा, स्पीड में। ये नहीं कि कभी डिस्टेंस को चेंज कर दिया या टाइम को चेंज कर दिया, नहीं। टाइम और डिस्टेंस सिर्फ किस में होते हैं, एक यूनिट में होते हैं, किलोमीटर में, मीटर में भी जा सकते हैं, सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं। और टाइम अगर सेकंड में है तो मिनट में भी जा सकते हैं और आवर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आपकी बात स्पीड की बात आएगी कि स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो क्या करना है, बड़ी यूनिट, ये तो ध्यान रहेगा 5/18 कैसे है, ध्यान रहेगा। तो यही करना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, कम कर देंगे तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे रख देंगे। ठीक है, कर लो, अगर नोट करना है तो फिर क्वेश्चन करते। कर लेना, ठीक है, करते हैं स्टार्ट है। तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, याद भी आ जाएगा सारे की सारी चीजें। यहां पर हमने देखे एक फॉर्मूला हमारा, सिर्फ वही हमें याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसको चेंज कर सकते हैं, किसी में भी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और अगर हमें स्पीड को किसी में कन्वर्ट करना है तो 5/18 या फिर 18/5 करते हैं। तो 18/5 कहां करते हैं और 5/18 कहां करते हैं, याद है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो 18/5। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे रखेंगे। क्लियर है, ठीक है। जब दो गाड़ियां, ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है पार करने की, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ जाएगी पार करने की जो स्पीड है। क्लियर। तीसरे थे हमारे एक डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या होगा हर कंडीशन में, ऐड ही होगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों ट्रेनों का स्पीड डिस्टेंस ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो भी डिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा, और अगर प्लेटफॉर्म है उसको पार करेंगे तो भी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। और यहां पर आदमी और पोल जो था उसकी लंबाई क्या मानेंगे, जीरो। क्लियर है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका था, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और जितने भी आपके एसएससी बैंकिंग जितने भी आपके एग्जाम है उन सब में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। जैसे पहला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या था, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, क्वेश्चन यहां ध्यान दे लो, अब पढ़ लिया होगा आपने, 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, एक ये ट्रेन हमारी कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेती है, 19 सेकंड का टाइम लेती है। इन दोनों, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना टाइम लेती है, 19 सेकंड का, और अगर एक आदमी को पार करती है तो कितना टाइम लेती है, 10 सेकंड का टाइम लेती है। तो इस ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अभी फिलहाल के लिए वैसे आपके पास ऑप्शन भी है, ज्यादातर क्या होगा आपको अगर स्पीड निकालनी है, ठीक है,
स्पीड अगर आपको निकालनी है, स्पीड अगर निकालनी है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। वैसे ज्यादातर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगी स्पीड। स्पीड जो मिलेगी किसमें मिलेगी आपको? किलोमीटर पर आवर में मिलेगी। यहां से हमें अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में मिलती है तो उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। और अगर डिस्टेंस आपको बताना है तो ज्यादातर जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो मीटर में ही मिलेगा, तो आपको किसमें बताना है? मीटर में ही बताना है। बाकी ऑप्शन जैसे दिया उसके हिसाब से देखना है। टाइम ज्यादातर पूछा जाएगा तो आपको सेकंड में ही दिया होगा। टाइम जो है वो किसमें दिया होगा? सेकंड में ही पूछेगा ज्यादातर, ठीक है। और एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर आपकी यूनिट जो है वो आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस और टाइम। अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में होना चाहिए, तो आप किलोमीटर पर आवर में। अगर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है तो टाइम किस में होगा? आवर्स में होगा। और जो स्पीड है वो किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में। और अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। तो स्पीड किस में रहेगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। पता लग रहा है यहां मीटर में दे रखा है और यहां पर टाइम आवर्स में दे रखा है, डायरेक्ट डिवाइड किया और आंसर निकाल दिया? नहीं, हमेशा चेंज करेंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम सेकंड में दे रखा है, डिस्टेंस किस में हमारा? किलोमीटर में। और टाइम किस में? सेकंड में। और स्पीड हमसे पूछी गई है तो एक तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि स्पीड हमसे किस में पूछी जाएगी। ज्यादातर क्या होगा? किलोमीटर पर आवर में होगी, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो हम मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। अब स्पीड तो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है और डिस्टेंस जो है हमें किस में दे रखा है? किलोमीटर में। तो टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो स्पीड अपने आप किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो यह चीज भी ध्यान रखना कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको क्या करेंगे? सेम करेंगे। अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है सेकंड में, स्पीड किसमें दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किसमें? सेकंड में। और हमसे डिस्टेंस पूछा है किसमें? मीटर में। तो स्पीड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 5/18 या 18/5 जो हमने निकाला हुआ है किसके लिए है? सिर्फ स्पीड के लिए, बाकी डिस्टेंस और टाइम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे।